हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर आज ही रहे बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों प्लीज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, देओल परिवार ने अपने 2 फिल्म की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपने 2 में एक वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह फिल्म बनने वाली है। तो दोस्तों, अब ये बात सच साबित हो गई है। तो दोस्तों, देओल परिवार ने इस फिल्म की घोषणा कर दी है और अब हमें इसमें सभी देओल एक ही फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। धर्मेंद्र, सन्नी देओल, बॉबी देओल और इसमें एक देओल की और एंट्री हो गई है और वो है करण देओल। तो दोस्तों, अब हमें चारों एक ही फिल्म में दिखाई देंगे। जैसे हमें कपूर खानदान में बाप बेटे दादा ने एक ही फिल्म में हमें दिखाई दिए थे और उस फिल्म का नाम था कल आज और कल। तो दोस्तों, इसमें हमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर एक ही फिल्म में दिखाई दिए थे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें अब ये देओल परिवार भी एक ही फिल्म में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, 2007 में अपने फिल्म रिलीज हुई थी और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे अनिल शर्मा और ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही अब इस फिल्म को अपने 2 को आगे बनाने की प्लानिंग हो रही है और दोस्तों देखते हैं कि ये फिल्म भी हिट होती है या नहीं। तो दोस्तों, उस अपने जो फिल्म थी उसमें हीरोइन शिल्पा शेट्टी और कैटरीना कैफ भी थी। तो दोस्तों, इस फिल्म में भी ये हीरोइन होंगी या नहीं होंगी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में ये दोनों हीरोइन नहीं होंगी, क्योंकि अगर इस फिल्म में अगर ये दोनों हीरोइन होती तो देओल परिवार फिल्म जब फिल्म की घोषणा की थी तो इनकी भी घोषणा हो जाती। तो दोस्तों, क्योंकि अपने फिल्म से अपने 2 फिल्म थोड़ी अलग बताई जा रही है, इसलिए इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी और कैटरीना कैफ का होना मुश्किल है। तो दोस्तों, सूत्रों की बात करें तो वैसे उर्वशी रौतेला बॉबी देओल के साथ हीरोइन के रोल में दिखाई दे सकती हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। तो दोस्तों, करण देओल को इस फिल्म में दूसरा चांस मिल रहा है। पल पल दिल के पास उनकी फिल्म ज़्यादा हिट नहीं हुई थी तो अब वो है दूसरी पारी खेल रहे हैं। देखो इस फिल्म से उनका करियर ऊपर चढ़ता है या नहीं। तो दोस्तों, अपने 2 जो है यह 2021 में इसकी अभी शूटिंग चालू हो जाएगी और दिवाली पर 2021 दिवाली पर यह फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, हमें भी इस फिल्म का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आप भी मुझे बताना मैसेज करके कि आपको भी इस फिल्म का इंतजार कितना है और आप देओल परिवार को देखना चाहते हैं और कितने एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।